हेलो एवरीवन, माय नेम इज बीना चांदवानी एंड टुडे वी आर कमिंग आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। स्टूडेंट्स, हमने माइक्रो मैक्रो के डिफरेंसेस को कंप्लीट किया था और ये पूरी जो आपकी बुक है एनसीईआरटी, इससे हम पूरा कवर कर रहे हैं। तो हम लोगों ने इसमें देखा जो मैक्रो इकोनॉमिक्स है, उसमें हमने फर्स्ट जो स्टार्ट किया था वो हमने यूनिट नंबर 6 स्टार्ट की थी, जिसमें 17 जो कि मनी एंड बैंकिंग था, 18 चैप्टर जो था वो कमर्शियल बैंक था, एंड लास्ट आज जो हम कवर कर रहे हैं दैट इज सेंट्रल बैंक। सेंट्रल बैंक में हमें क्या क्या कवर करना है, इसके फंक्शंस एंड क्रेडिट कंट्रोल जो भी है, कैसे आरबीआई क्रेडिट को कंट्रोल करती है पॉलिसीज के थ्रू। तो आज हम बेसिकली जो कवर करने वाला है वो है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई। ठीक है स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का ओरिजिन कैसे हुआ। देखिए, द ओरिजिन ऑफ आरबीआई कैन बी ट्रेस 1926 व्हेन रॉयल कमीशन ऑफ इंडियन करेंसी एंड फाइनेंस, ऑल्सो नोन एज द हिल्टन यंग कमीशन, रिकमेंडेड क्रिएशन ऑफ द सेंट्रल बैंक फॉर इंडिया टू सेपरेट कंट्रोल ऑफ द करेंसी एंड क्रेडिट फ्रॉम द गवर्नमेंट। देखिए क्या हुआ था कि आरबीआई एक्ट जो आया था ना वो 1934 में आया था। ठीक है स्टूडेंट, आपको ये मेनली याद रखना है कि आरबीआई का एक्ट क्या है, 1934। ये 1934 में आया, लेकिन आरबीआई के 1934 आने से पहले ही 1926 में एक रॉयल कमीशन ऑन इंडियन करेंसी, जिसको हम हिल्टन यंग कमीशन भी कहते हैं, उन्होंने रिकमेंडेड किया कि हमारी कंट्री में करेंसी को कंट्रोल करने के लिए, करेंसी एंड क्रेडिट को कवर कंट्रोल करने के लिए कोई सेंट्रल बैंक होनी चाहिए। तो ये रिकमेंडेशन किसने दी थी, आपको याद रखना है स्टूडेंट्स, जिसे हम हिल्टन यंग कमीशन बोलते हैं, व्हेन द रॉयल कमीशन इन इंडियन करेंसी एंड फाइनेंस, इसने ये रिकमेंडेशन दी थी कि गवर्नमेंट जो है कैसे अपनी कंट्री में करेंसी को एंड क्रेडिट को कंट्रोल कर सकती है थ्रू दी सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, आरबीआई के थ्रू कर सकती है। तो फिर इसके बाद क्या हुआ, आरबीआई एस्टैब्लिश, जब आरबीआई का एस्टैब्लिशमेंट हुआ वो था 1 अप्रैल 1935। एक डिफरेंस आपको याद रखना है कि आरबीआई एक्ट की बात करें तो वो 1934 है, लेकिन आरबीआई का एस्टैब्लिशमेंट कब हुआ था स्टूडेंट, होता 1934 इन अकॉर्डेंस विद रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया 1934 एक्ट अकॉर्डिंग। एक्ट की बात करें तो 1934, अगर एस्टैब्लिश डेट आपसे पूछी जाए तो दैट इज 1 अप्रैल 1935। तो इसमें क्या हुआ था, थ्रू दी स्टार्टेड प्राइवेट शेयर होल्डर्स बैंक एंड रिजर्व बैंक वॉज नेशनलाइज। देखिए, जब आरबीआई का एस्टैब्लिशमेंट हुआ था नेशनलाइज से पहले, तब ये क्या था, एक प्राइवेट शेयर होल्डर था, ये क्या था, एक प्राइवेट शेयर होल्डर बैंक था। आपको स्टूडेंट याद रखना है कि नेशनलाइजेशन से पहले आरबीआई था ना वो प्राइवेट के अंदर में आता था, लेकिन जब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का नेशनलाइजेशन हुआ 1949 में, तो ये फुल्ली ओन किसके आ गया, गवर्नमेंट के, यानी इसको पूरा प्रॉपर तरीके से रन कौन करता था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। कई बार ऐसे क्वेश्चंस भी आते हैं कि आरबीआई नेशनलाइज से पहले क्या था, गवर्नमेंट ओन था कि प्राइवेट ओन था, तो को पूरा का पूरा क्या था, प्राइवेट शेयर होल्डर बैंक था। ठीक है स्टूडेंट, आपको याद रखना है यहाँ पे कमेटी कौन सी थी, हिल्टन यंग कमीशन था, जिसने ये रिकमेंडेशन दिया कि आरबीआई होनी चाहिए आपकी कंट्री में करेंसी एंड मॉनेटरी कंट्रोल करने के लिए। उसके बाद 1 अप्रैल 1935 में आरबीआई का एस्टैब्लिशमेंट हुआ, और एक्ट कौन सा था, 1934। आरबीआई के एस्टैब्लिशमेंट से पहले, सॉरी, आरबीआई के नेशनलाइजेशन 1949 से पहले ये एक प्राइवेट ओन बैंक था, उसके बाद में जब ये नेशनलाइज हुआ तब ये पूरा का पूरा कंट्रोल किसके अंडर में आ गया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के कंट्रोल में। द सेंट्रल बैंक ऑफ रिजर्व वॉज इनिशियली एस्टैब्लिश, जब सेंट्रल बैंक आरबीआई का एस्टैब्लिशमेंट हुआ तो सबसे पहले जो उसका सेंट्रल ऑफिस था वो कहाँ था स्टूडेंट्स, कैलकटा में, जिसको अब हम न्यू कैलकटा के नाम से जानते हैं, वॉज परमानेंटली, अब पहले कहाँ था एस्टैब्लिशमेंट के टाइम पे, कलकत्ता में, जिसे हम कोलकाता के नाम से जानते हैं, और अब परमानेंटली ये काम हो गया आपके बॉम्बे में, न्यू मुंबई, जैसे 1937 में, यानी पहले जब एस्टैब्लिशमेंट हुआ था 1935 में, तब इसका सेंट्रल ऑफिस कहाँ था स्टूडेंट, कलकत्ता में, और उसके बाद इसको कहाँ मूव कर दिया, मुंबई में। तो अगर क्वेश्चन आया कि एट प्रेजेंट आरबीआई का सेंट्रल ऑफिस कहाँ है, तो वो कहाँ है, न्यू मुंबई में, और उसको कब चेंज किया गया था, 1937 में। फर्दर आरबीआई 27 रीजनल ऑफिस, आरबीआई के टोटल 27 रीजनल ऑफिस है, और मेन जो है सब ऑफिस कितने, 4 जो अलग अलग स्टेट में अवेलेबल। ये क्या था आपका आरबीआई का ओरिजिन था, आपको इसमें से छोटी छोटी सी चीजें याद रखनी है स्टूडेंट्स। अब सेंट्रल बैंक ऑफ, हम इसका देखते हैं कि क्या है ये स्टार्टिंग से। तो सेंट्रल बैंक प्ले द वाइटल रोल इन रेगुलेटिंग द कंट्रोलिंग द बैंकिंग, यानी आप ये देखिए कि सेंट्रल बैंक जो है ना स्टूडेंट्स, वो बहुत वाइटल रोल प्ले करता है किसके लिए, बैंकिंग एंड मॉनिटरी सिस्टम को कंट्रोल करने के लिए आपकी कंट्री में।
सेंट्रल बैंक एक वाइटल रोल प्ले करता है आपकी कंट्री में बैंकिंग सिस्टम को एंड मॉनिटरी सिस्टम को कंट्रोल करने के लिए. इट इज अ रिस्पॉन्सिबल फॉर कंट्री स्टैंडर्ड इकोनॉमिक डेवलपमेंट, फुल एम्प्लॉयमेंट, प्राइस स्टेबिलिटी, फेवरेबल बैलेंस ऑफ पेमेंट. ये किस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल है? आपका जो सेंट्रल बैंक है, जो कि आरबीआई है, वो किस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल है कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो रहा है कि नहीं है, फुल एम्प्लॉयमेंट है कि नहीं है, प्राइस स्टेबिलिटी है कि नहीं है, कहीं इन्फ्लेशन की सिचुएशन तो नहीं है, फेवरेबल बैलेंस ऑफ पेमेंट होना चाहिए. तो इस आपका जो आरबीआई है वो इन सारी चीजों के लिए रिस्पॉन्सिबल है. सेंट्रल बैंक इशू द डायरेक्ट ऑल द बैंक्स. सेंट्रल बैंक क्या करता है, जितने भी बैंक्स हैं, जितने भी और बैंक्स हैं एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, जैसे इट इज नोन एज फेडरल रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जैसे हमारा आरबीआई सेंट्रल बैंक. इंडिया का सेंट्रल बैंक कौन सा है? आरबीआई. वैसे अगर हम बात करें तो अमेरिका का सेंट्रल बैंक क्या है स्टूडेंट? फेडरल रिजर्व बैंक इन अमेरिका. हर बैंक का सेंट्रल बैंक अलग होता है. इंडिया का कौन सा है? आरबीआई. अमेरिका का कौन सा है? फेडरल रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया. इंग्लैंड का कौन सा है? बैंक ऑफ इंग्लैंड. बैंक ऑफ इंडिया किस बैंक ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया किसका है? इंडिया का. तो सेंट्रल बैंक क्या है? एक अपेक्स बैंक है स्टूडेंट, आप समझ रहे हैं. सेंट्रल बैंक क्या है? एक अपेक्स बैंक है जो कि सारे के सारे और बैंक्स को एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को कंट्रोल करता है. किस तरह से इकोनॉमिक डेवलपमेंट होना चाहिए, फुल एम्प्लॉयमेंट होना चाहिए, प्राइस स्टेबिलिटी होनी चाहिए, फेवरेबल बैलेंस ऑफ पेमेंट होता है, ये सारा का सारा कैसे आपकी मॉनिटरी सिस्टम कंट्रोल होना चाहिए, आपका बैंकिंग सिस्टम कंट्रोल होना चाहिए, सारा का सारा कौन देखता है? सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया. ठीक है स्टूडेंट. सेंट्रल बैंक इज अ बैंक विच इज अ सब्स्टिट्यूट अपेक्स ऑफ द मॉनिटरी एंड बैंकिंग इंस्ट्रक्शंस. यानी आपके जो भी स्ट्रक्चर है, बैंकिंग का स्ट्रक्चर है और मॉनिटरी जो सिस्टम है उसको पूरा का पूरा कंट्रोल करना काम कौन करता है? सेंट्रल बैंक करता है. ठीक है. अदर्स ऑथर्स अकॉर्डिंग डेफिनेशंस एंड डे के अकॉर्डिंग अ बैंक इज अ हेल्प इज टू हेल्प कंट्रोल एंड स्टेबलाइज द मॉनिटरी एंड बैंकिंग सिस्टम. ये बैंक ऐसा है जो आपकी मॉनिटरी एंड बैंकिंग स्ट्रक्चर्स को या सिस्टम को कंट्रोल करने का काम करता है, जो कि आपका आरबीआई. ठीक है स्टूडेंट. अकॉर्डिंग टू सलूशन सेंट्रल बैंक इज अ बैंक ऑफ बैंकर, यानी बैंकों का भी बैंक है आपका सेंट्रल बैंक. अदर बैंक जो भी आपके प्राइवेट बैंक है, कॉपरेटिव बैंक है, आरआरबी है, नबार्ड है, सबको कौन कंट्रोल करता है? आपका आरबीआई कंट्रोल करता है. इट्स ड्यूटी टू कंट्रोल द मॉनिटरी बेस थ्रू द कंट्रोल ऑफ दिस हाई पावर मनी. यानी सबसे ज्यादा हाई पावर मनी किसके पास है? सेंट्रल बैंक ही डिसाइड करता है कि कितना सप्लाई, कितना मनी का सप्लाई आपके मार्केट में होना चाहिए. ये कौन डिसाइड करता है? आपका सेंट्रल बैंक करता है. तो ये बहुत क्लियरली हो गया कि सेंट्रल बैंक इज अपेक्स इंस्टीट्यूशन इन ए कंट्री विच इज ऑथराइज कंट्रोल एंड मॉनिटरी एंड बैंकिंग सिस्टम. यानी आप देख सकते हैं सेंट्रल बैंक जो है वो आपका अपेक्स इंस्टीट्यूशन है, जो किसको कंट्रोल करता है? आपके मॉनिटरी सिस्टम को कंट्रोल करता है और आपके बैंकिंग सिस्टम को कंट्रोल करता है. ठीक है स्टूडेंट. इन इंडिया दिस रोल इज प्लेड बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया. यानी इंडिया में कौन है सेंट्रल बैंक? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जो आपका ये रोल प्ले कर रहा है. इट रेगुलेट दी एंटायर मॉनिटरी एंड फाइनेंशियल सिस्टम. ये पूरा का पूरा आपकी कंट्री में किस तरह से मॉनिटरी सिस्टम होना चाहिए, क्या फाइनेंशियल सिस्टम होना चाहिए, क्या बैंकिंग सिस्टम होना चाहिए, पूरा का पूरा कंट्रोल कर रहा है. इट इज एम्पावर टू इशू करेंसी. इसके पास क्या पावर है स्टूडेंट? करेंसी इशू करने का, उसको ऑथराइज करने का. ठीक है स्टूडेंट. इट इज नोन एज द अपेक्स बैंक ऑफ दी कंट्री का, इसको अपेक्स बैंक भी बोलते हैं या सेंट्रल बैंक भी बोलते हैं. आपको ध्यान रखना है आरबीआई एक्ट 1934 जिसका एस्टेब्लिशमेंट 1 अप्रैल 95 को किया गया था. ये आपका अपेक्स बैंक होता है जो आपके पूरी कंट्री की मॉनिटरी बैंकिंग एंड फाइनेंशियल स्ट्रक्चर को या सिस्टम को कंट्रोल करने के लिए, स्टेबलाइज करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है. ये आपका सेंट्रल बैंक होता है स्टूडेंट्स. ठीक है. ये सेंट्रल बैंक का स्टूडेंट प्रियम्बल है. प्रियम्बल वो होता है जिसमें एक्ट से रिलेटेड इंफॉर्मेशन दी हुई होती है. तो देख लेते हैं वो फटाफट से क्या है. रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया रेगुलेट करता है किसको? ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, देखिए इसके प्रियम्बल में भी मेंशन है, इशू ऑफ बैंक नोट. ये फर्स्ट चीज है कि ये क्या है, इशू ऑफ बैंक नोट. यानी आपके कंट्री में बैंक इशू करने के लिए, सॉरी नोट इशू करने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया. ठीक है. दूसरा, ये पूरी की पूरी करेंसी को क्या करता है? ऑपरेट करता है स्टूडेंट्स. ठीक है, क्या करता है? ऑपरेट करता है. दूसरा, ये आपके मॉनिटरी फ्रेमवर्क बनाता है और मॉनिटरी फ्रेमवर्क को कंट्रोल भी करता है. ठीक है. फिर स्टूडेंट, ये आपकी मेंटेन करता है प्राइस स्टेबिलिटी को, ताकि क्या हो, इसका ऑब्जेक्ट क्या है, ताकि ग्रोथ हो पाए. ठीक है स्टूडेंट. और पूरे के पूरी कंट्री में कैसे मॉनिटरी फ्रेमवर्क को चलाना है, कैसे कंट्रोल करना है, ये पूरा का पूरा आपके आरबीआई में मेंशन होता है. ठीक है स्टूडेंट. अब
आरबीआई की डेफिनेशन हमने देखी, इसका ओरिजिन देखा कैसे होता है ओरिजिन वगैरह। तो सबसे पहले हमने ओरिजिन देखा कि ओरिजिन कब किसने किस कमीशन के थ्रू किया था, हिल्टन यंग कमीशन के थ्रू किया गया था। उसी कमीशन ने रिकमेंडेशन दी थी कि आपकी कंट्री में ये बैंक अवेलेबल होना चाहिए। फिर आरबीआई ने एस्टेब्लिश किया ऑन 1 अप्रैल 1935 को, ठीक है। इसके पहले प्राइवेट शेयर होल्डर बैंक था, लेकिन उसके बाद 1949 में इसका नेशनलाइजेशन किया गया, राष्ट्रीयकरण किया गया, उसके बाद ये फुली की फुली गवर्नमेंट ओन हो गया। स्टार्टिंग में जब आरबीआई का एस्टेब्लिशमेंट हुआ था तो उसका जो सेंट्रल ऑफिस था वो क्या था आपका, कैलकटा में था, लेकिन बाद में इसको कहां मूव कर दिया गया, बॉम्बे में मूव कर दिया गया 1937 में। स्टूडेंट सेंट्रल ऑफिस क्या होता है, सेंट्रल ऑफिस वो होता है जहां पर आपका गवर्नर सिट करता है, आगे मैं आपको बताऊंगी, जहां पे जो इंपॉर्टेंट मॉनेटरी फ्रेमवर्क्स जो होती है, जो पॉलिसीज होती है वो फॉर्मुलेट की जाती है, वो आपका सेंट्रल ऑफिस होता है। आरबीआई के 27 रीजनल ऑफिस है एंड 4 सब ऑफिस है, ठीक है स्टूडेंट, ये ओरिजिन था। उसके बाद हमने डेफिनेशन कवर किया कि अलग अलग ऑथर्स के अकॉर्डिंग क्या डेफिनेशन है और आरबीआई कैसे वाइटल रोल प्ले करता है आपकी रेगुलेटिंग करने के लिए एंड कंट्रोल करने के लिए बैंकिंग एंड मॉनिटरी सिस्टम, ठीक है स्टूडेंट, ये सारी डेफिनेशन है। आज के लिए सिर्फ इतना, थैंक यू सो मच।